टी कोड और सीपी टी में हम बनाते हैं। हेलो यू आर वॉचिंग न्यूज फाउंडेशन, मैं श्वेता आपके साथ। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। दरअसल हम मरीना प्लाई बूज के पास खड़े हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर फर्नीचर जो है वो बनाए जाते हैं। खास बात इस मरीना प्लाई बूज की तो ये है कि यहाँ की जो फर्नीचर है वो बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के अनदर स्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए हम मरीना प्लाईवुड के मालिक जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मरीना प्लाईवुड की शुरुआत, इस कंपनी की शुरुआत कब उन्होंने की, किस तरीके के फर्नीचर वो बनाते हैं और शादी दीपावली अगर आपके घर है तो आप यहाँ पर आके कितने परसेंट में डिस्काउंट लेकर ये फर्नीचर घर लेकर जा सकते हैं। तो आइए आप हमारे साथ देख सकते हैं कि हम मरीना प्लाईवुड शॉप के अंदर है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक फर्नीचर बनाई गई है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि आप सोफा देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये सोफा जो है वो बनाया गया है। इसके कुशन को आप देख सकते हैं। एक सबसे खास बात है इसकी, आप लकड़ी को देखिए, काफी ज्यादा ये मजबूत है। अगर आपके घर में शादी है और इसके लिए आपको फर्नीचर खरीदनी है तो पटना का ये बेस्ट शॉप माना जाता है। यहाँ पर बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग राज्य से जो हैं वो लोग आते हैं, यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं। आप देख सकते हैं कि लकड़ी के भी सोफ़ा जो हैं वो बनाए गए हैं। आजकल वुड का सोफ़ा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, एक अलग लुक जो है वो देता है। साथ ही साथ हम आपको बेड यानी कि पलंग भी दिखा रहे हैं, ड्रेसिंग भी दिखा रहे हैं। कितना खूबसूरत ड्रेसिंग का जो ये स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है, काफ़ी न्यू मॉडल तरीके से बनाया गया है। एक देसी टच दिया है, एक वेस्टर्न टच दिया है, दोनों टच मिलकर काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। अगर हम बेड की बात करें तो बेड भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके जो डिज़ाइन है आप डिज़ाइन को देख सकते हो कि एक डिज़ाइन भी काफ़ी अलग है, हटकर है। सबसे खास बात इसकी है कि ये मजबूती, इतनी मजबूती से जहां आजकल लोग बेड तो खरीदते हैं लेकिन सस्ते में टिकाऊ बेड बहुत ही रेयर शॉप पे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको सस्ते में वारंटी के साथ और टिकाऊ बेड की ज़रूरत है तो आप और कहीं नहीं मरीना प्लाईवुड में आइए और यहां से आप आकर शॉपिंग कीजिए। चलिए तो हम यहाँ के ओनर जो हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की, कैसे उन्होंने इसका जो स्टार्टिंग फेज है उनका वो कैसा रहा था। सर सबसे पहले तो न्यूज़ फाउंडेशन में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश शर्मा जी, थैंक यू सर, आपका आभारी हैं आने के लिए। सर आपने इस बिजनेस की शुरुआत कब? मैं जब बिहार शरीफ में रहता था, मेरा अपना पुश्तैनी घर है, 1988 में हम जमीन खरीदा और 91 में हमने आराम मशीन चालू किया विष्णु साहु मिल के नाम से। उसके बाद दूसरा फेज राजधानी फर्नीचर उद्योग, इस संस्था को हमने 94 में रजिस्ट्रेशन लिया और बड़े पैमाने पर अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपकी मरीना प्लाईवुड के अलावा और कितनी मतलब शॉप है, कितनी बिजनेस है आपके? हमारे व्यापार में एक बिहार शरीफ में है विष्णु साहु मिल करके, एक राजगीर रोड में सिलाव में है विष्णु ग्लास करके, और ये सब का सबको अलग अलग व्यवस्था दिए गए हैं। खरीद बिक्री का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, लेकिन लकड़ी जो है यहाँ अधिकतर टी कोड और सीपी टी में हम बनाते हैं। इसकी बनाने की क्षमता यही है कि एक साल हम लकड़ी के सुखाते हैं, दूसरे दुकानदार जो होते हैं सुखाने का समय नहीं है न उसके पास जगह है। हम लोग के पास कितना काफ़ी जगह है आप खुद देख सकते हैं, और अच्छे और कीमती केमिकल से जोड़ते हैं जो कभी भी जोड़ पर से हटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। सर हमने सुना है कि आपकी जो ये फर्नीचर है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हाई कोर्ट, जो पटना का हाई कोर्ट है वहाँ पर भी जाता है, तो सर इसके बारे में ज़रा बताइए। मुख्यमंत्री जी ने इतना टिम्बर वासियों को
27 प्रजाति के लकड़ी के छूट देकर हम लोग के दिल जीत लिए हैं और बिहार के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर उन्हें फर्नीचर खरीदना होगा तो आप उन्हें कितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे और इसमें वारंटी पीरियड कितनी है? सबसे पहले मेरा टीक वुड है जो बनावटी में और मजबूती में सबसे ज़्यादा वो देखने की चीज़ है, यानी निशाबाद क्षेत्र में हमारे फर्नीचर लेने के लिए दो दो महीना वेट करते हैं, इसीलिए कि हम पड़ोसी हैं, बगल में कुछ भी होता है उनका जा कर के हम देखभाल करते हैं। और दूसरी बात है कि भरोसा है, हम 91 से चल रहे हैं तो हमारे फर्नीचर पर और लकड़ी पर लोगों का भरोसा है कि हाँ ये जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसका रिजल्ट है कि बिहार सरकार के कई विभाग से ऑर्डर आता है, जैसे पटना हाईकोर्ट का आप जान ही रहे हैं, लगभग सारे फर्नीचर हम लोग डील कर रहे हैं, रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, ऑर्डर आते रहते हैं। सर, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, दीपावली आने वाली है, उसके बाद जस्ट दीपावली और छठ के बाद शादी की शुरुआत होगी, तो कुछ ऐसा आप ऑफर निकालते हैं शादी लगन में ताकि जो ग्राहक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और आपके फर्नीचर को खरीदें? हमारा जो रेट होता है वो इक्वल और सही होता है, इसमें हम डिस्काउंट नहीं देते हैं, लेकिन बहुत से कस्टमर लोग कहते हैं कि भाड़ा अपने तरफ से दे दीजिएगा, ये फैसिलिटी रहता है और हम लोग वहाँ जा कर के पलंग को सेट कर देते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था यहाँ के ओनर का, इनकी जो क्वालिटी है वो बेहद अच्छी क्वालिटी है। अगर आप यहाँ से ये फर्नीचर खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको भाड़ा इनके तरफ से दिया जाएगा, दूसरी चीज आप कहीं भी किसी भी जगह पे रहेंगे तो ये अगर कभी भी आपके फर्नीचर को कुछ होता है तो इनके जो लोग हैं वो वहाँ पर जाएंगे, फर्नीचर को देखेंगे, उसे रिपेयर करेंगे। तो अगर आप भी फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो पटना में मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई शॉप होगा भी। तो आपको हम प्राइस भी बताते हैं, पूछते हैं इनसे कि कितने प्राइस के बेड हैं यहाँ पे, ड्रेसिंग दिख रहे हैं, सोफ़ा दिख रहे हैं, उन सब का प्राइस क्या है, स्टार्टिंग प्राइस कितनी है। तो सर, हमारे दर्शकों को प्राइस के बारे में बताइए। प्राइस इसका ये है कि जिस साइज़ की पलंग रहता है उस साइज़ के अनुसार से उसका रेट तय है। तो 4 फीट का है, उसमें लमसम आपको 25,000 से स्टार्ट हो जाता है और वो 6x7 का जो पलंग है, हर एक डिज़ाइन का जो पलंग रहता है उसके अनुसार से 65,000 तक जाता है। इस वेट का प्राइस 65,000 है, आपको ये 65,000 में आपके पास चला जाएगा। और CPT के सागवान का बना हुआ है, इसमें किसी तरह का यदि आपको घुन लग जाता है, सड़ जाता है, तो उसके हम गारंटी देते हैं कि उसको कोशिश करते हैं कि वो नए सिरे से उसको ठीक कर दिया जाए। सबसे लोएस्ट प्राइस कितनी की है? प्राइस का मतलब ये हो जाता है कि ये आप कौन सा साइज का पलंग ले रहे हो। तो पलंग है यहाँ 25,000 से आप स्टार्ट होता है, बॉक्स का पलंग रहेगा आपको, और वो 65,000 तक आप किस साइज के आप पलंग लेते हो इस पर निर्भर करता है प्राइस का कि किस साइज के आप पलंग ले रहे हो। अगर डबल पलंग लेते हैं तो सर उसका प्राइस? हाँ, डबल पलंग का प्राइस लमसम आपको 38,000 से लेकर के 65,000 तक जाता है। सर, हमारे थोड़ा ड्रेसिंग के बारे में बताइए, जो वहाँ पे एक से बढ़कर एक ड्रेसिंग है उनके प्राइस क्या क्या हैं, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि शादी के सीज़न आने वाले हैं और ऐसे में लोग ड्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि वो देना ही रहता है, खरीदना रहता है। तो इसके बारे में बताइए कि इन सब ड्रेसिंग के क्या क्या प्राइस है, अगर हम इस ड्रेसिंग की बात करें क्योंकि एक थोड़ा वेस्टर्न टच भी दे रहा है, एक अलग लुक इसमें नज़र आ रहा है, तो इस ड्रेसिंग का प्राइस कितना है? ये ड्रेसिंग 8,000 में मिल जा रही है आपको, और इससे बड़ी ये है जो कि ड्रेसिंग आपको 25,000 तक मिल जा रही है जो कि उधर साइड में रखा हुआ है। तो आपका ड्रेसिंग का साइज पर निर्भर करता है, कितना बड़ा साइज है, कितने खाना का है, किस तरह का बना हुआ है, उस पर निर्भर करता है, लेकिन ये 8,000 से लेके 25,000 रुपये तक के आपको ड्रेसिंग यहाँ पर मिल जाती है। सोफ़ा सेट की बात करनी है तो सोफ़ा सेट है जो कि आपको 30 से 36,000 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है, पूरा सागवान में मिल जाएगा आपको।
आपने बेड का प्राइस देख लिया, ड्रेसिंग का प्राइस देख लिया, अब हम देख रहे हैं घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहा जाए, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत जगह माना जाता है हमारा हॉल, और हॉल में सबसे खूबसूरत होता है डाइनिंग टेबल, जहाँ पे परिवार बैठते हैं, खाना खाते हैं, गप्पे शप्पे करते हैं। सर, आपके यहाँ जो डाइनिंग टेबल है उसकी प्राइस क्या है और इसकी क्वालिटी क्या है, ये हमारे लिए? ये 6 सीटर आपको डाइनिंग टेबल है, इसका कीमत 45,000 है, 45,000 रुपया, और इसमें आप जैसा चाहिएगा ब्लैक शीशा लगाने के लिए ब्लैक शीशा लग जाता है, और आप जो टफ बोलते हैं ना, ऊपर टफ जो होता है वो आपको जिस तरह से आप चाहिएगा कि मुझे ब्लैक शीशा चाहिए तो ब्लैक में हम लोग दे देते हैं, वाइट में चाहिए वाइट में देते हैं। 6 सीटर के साथ आपको 45,000 में आपको मिल जाएगा, और इसका सागवान का टोटल रहता है, शीशा ऊपर जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा।